हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट शिफ्ट में SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए और कंपेयर किया जाए RRB PO मेंस से, तो जितना लेवल RRB PO मेंस में देखने को मिला तो आज का लेवल उससे कम ही देखने को मिला है। GA की बात करें, अगर RRB PO मेंस की GA को टफ कहेंगे तो आज मॉडरेट देखने को मिली है, काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट भी देखने को मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस आसान देखने को मिले हैं तो कुछ क्वेश्चन टफ भी देखने को मिले हैं। तो GA में जो एवरेज अटेम्प्ट आज देखने को मिले वो 20 से लेकर 30 के बीच में देखने को मिले हैं। क्वांट की बात करें, अब लगभग हर एग्ज़ाम में क्वांट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट देखने को मिलने लगा है, यहाँ तक कि प्री में भी क्वांट मॉडरेट देखने को मिलने लगा। आज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वांट में कम अटेम्प्ट हुए हैं, DI काफ़ी कैलकुलेटिव देखने को मिली। अगर एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करें क्वांट में तो 12 से 20 के बीच में देखने को मिले हैं। इंग्लिश में काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट आज देखने को मिले हैं। रीजनिंग की बात करें, जिनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है रीजनिंग में, उनके काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में, रीजनिंग मॉडरेट आज देखने को मिली है। ओवरऑल एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 90 से लेकर 110 के आसपास देखने को मिले हैं, और अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 90 प्लस जो भी करके आए हैं अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल आपके अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिनके 90 से कम अटेम्प्ट है तो उनके चांस नहीं है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ देखने को मिलती है, किसी स्टेट में हाई कट ऑफ जाती है तो किसी स्टेट में लो कट ऑफ भी देखने को मिलती है। बाकी एग्ज़ाम हो चुका है आपका फर्स्ट शिफ्ट वालों का, तो अब आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे से। बिल्कुल आपने बहुत मेहनत की थी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।